फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर फैसलाबाद डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशपी इलेक्शन में 2 दिन बाकी रह गए हैं, जबकि उम्मीदवारान वोटरों के नखरे और मांगे पूरी करने में मसरूफ हैं। सख्त गर्मी में उम्मीदवारान पिंडी भटियां, सरगोदा, फैसलाबाद, समुन्द्री, टोबाटेक सिंह, जंग, शोरकोट और गोजरा में दरबदर दौड़े लगा रहे हैं। उम्मीदवारान में फिलहाल पादरी कामरान सुलेमान, पादरी वसीम अशरफ, पादरी अलीम, पादरी आइजक विलियम, पादरी परवेज और इम्पोर्टेड पादरी सरवर एरिक के नाम गर्दिश में है। ये बात काबिले जिक्र है कि इम्पोर्टेड पादरी सरवर एरिक के फैसलाबाद के बिशपी इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार नाम आने पर न सिर्फ फैसलाबाद डायसिस बल्कि पूरे पाकिस्तान में चर्च ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया एहतजाज कर रही है, लेकिन बिशप ऑफ मुल्तान डायसिस लेव रॉड्रिक पॉल के कान पर जू नहीं रेंगी और वो मुसलसल उसे अपनी डायसिस का पादरी बता रहे हैं, जिस पर कलीसिया क्लर्जी दोनों में बेचैनी फैल रही है। कलीसिया चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर बिशप आजाद मार्शल और सेक्रेटरी एंथनी इजाज सैमुअल की जानिब देख रहे हैं कि वो कब चर्च ऑफ पाकिस्तान के आइन पर अमल दरामद करवाते हुए सर्वर एरिक को नाअहल करार देते हैं।